Morning student, in this video lecture we will start unit number 5, stochastic process and sampling techniques. Let's see the definition of stochastic process or random process. A stochastic process is a set of ordered random variable. Order is indicated by indexing each random variable in the set of subscript, in the set by subscript. Usually the ordering is a result of a random variable being observed over time. So x suffix t is a random variable that models the value of stochastic process at time t. Random variable इससे पहले भी हमने पढ़े हैं यूनिट नंबर 3 में. रैंडम वेरिएबल वहाँ पे पर्टिकुलर एक डेफिनेशन दिया रहता था, ये रैंडम वेरिएबल और वो रैंडम वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ जो रैंडम वेरिएबल हम कैलकुलेट करते हैं वो टाइम पर कैलकुलेट करते हैं. वहाँ पे भी जो रैंडम वेरिएबल है हम क्या करते थे कि एक रियल नंबर असाइन करते थे सैम्पल स्पेस पर, राइट है. फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन इज टॉसिंग टू टाइम्स, तो सैम्पल स्पेस क्या बनता था आपका, एस इज इक्वल टू, एक कॉइन को अगर आप दो बार टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस बन जाएगा एच 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 टी टी एच टी टी, ठीक है. फिर आपको बताता था कि ये रैंडम वेरिएबल के जो ये जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट को आपको एक रियल नंबर असाइन करना है और वो रियल नंबर क्या असाइन करना है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता था, राइट है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि रैंडम वेरिएबल डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, राइट है. तो रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ हेड डिनोट करता है. तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले सैम्पल स्पेस के फर्स्ट एलिमेंट में जो है वो टू हेड्स है तो आपको टू रियल नंबर असाइन करना है. सैम्पल स्पेस के सेकंड एलिमेंट में वन हेड है तो आप वन रियल नंबर असाइन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे भी वन है तो इसको वन रियल नंबर असाइन करेगी, और इसको इसमें कोई हेड नहीं है इसको जीरो नंबर असाइन करेगी. फिर आप क्या करते थे, इसको एक्स से डिनोट करते थे और ये जो भी नंबर्स आए हैं उसको कलेक्ट कर लेते थे, राइट है, ऑर्डर करके 0, 1, 2 इस तरह से, और इसको ये बन गया आपका रैंडम वेरिएबल. ये यूनिट नंबर 3 में हमने पढ़े हैं. अब यहाँ पे जो स्टोकास्टिक प्रोसेस, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल को टाइम पर आपको कलेक्ट करना है, ठीक है. अब किस तरह से कलेक्ट करेंगे तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा. सिंपल ये है स्टोकास्टिक प्रोसेस में कि रैंडम वेरिएबल का कलेक्शन है और वो वाले रैंडम वेरिएबल जो टाइम से कैलकुलेट करते हैं, राइट है. तो मैं 3-4 एग्जांपल अभी दूंगा आपको. तो दस स्टोकास्टिक प्रोसेस इज अ सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इन ब्रैकेट एस कॉमा टी दैट आर अ फंक्शन ऑफ टाइम वेरिएबल टी वेयर स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस नथिंग बट सैम्पल स्पेस एंड स्मॉल टी बिलोंग्स टू टी नथिंग बट पैरामीटर सेट और इंडेक्स सेट, राइट है. तो यहाँ पे दो सेट बन जाते हैं, एक टाइम का सेट बन जाता है और एक सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस से ही हमको वैल्यू लेना है, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू रहेगी वो सैम्पल स्पेस से ही लेंगे हम, राइट है, एस से ही लेंगे. जो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा उसका जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो सैम्पल स्पेस की ही वैल्यू जो है रैंडम वेरिएबल डिनोट करेगी, और कहाँ से डिनोट करेगी, किससे डिनोट करेंगे, टाइम से, टी से, राइट है. द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनी इंडिविजुअल मेंबर्स दैट इज सैम्पल स्पेस ऑफ द स्टोकास्टिक प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेट स्पेस. तो ये जो आप स्टोकास्टिक प्रोसेस मतलब सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल कलेक्ट करेंगे तो ये जो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा उसका जो भी सैम्पल स्पेस बनेगा उसी सैम्पल स्पेस को यहाँ पर स्टेट स्पेस बोलेगी, राइट है. ध्यान रखना कि हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के अंदर सैम्पल स्पेस बोलते हैं, लेकिन जब हम स्टोकास्टिक प्रोसेस पढ़ेंगे या फिर रैंडम प्रोसेस दोनों सेम ही है तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस को आप स्टेट स्पेस बोलेगी, जहाँ से आप रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, ठीक है. रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू जो है वो सैम्पल स्पेस स्टेट स्पेस से ही आएगी, ठीक है. अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, इफ द पैरामीटर सेट टी इज डिस्क्रीट आपको पता है, जैसा टी की वैल्यू अगर डिस्क्रीट है इन द सेंस आप उसको काउंट कर सक रहे हैं, है ना. जैसा हमने यूनिट नंबर 4 में भी पढ़े हैं डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा, राइट है. कंटिन्यूस डाटा में इंटरवल आते थे, राइट है, और डिस्क्रीट डाटा के अंदर इस तरह से वैल्यूज आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दी रहती थी जिसको आप काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी तरह से काउंट कर सकते थे. तो ऐसे डाटा को डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं, राइट है. तो टी अगर डिस्क्रीट है तो स्टोकास्टिक प्रोसेस इज डिनोटेड बाय एक्स एन, राइट है. तो डिस्क्रीट है इन द सेंस आप उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम जो है वो एन से डिनोट करते हैं एक्स ऑफ एन, यानी एन की फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू या फिर एक्स सफिक्स एन, दोनों सेम ही है, राइट है. तो टी अगर डिस्क्रीट होगा तो स्टोकास्टिक प्रोसेस को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे. इफ़ द पैरामीटर सेट टी इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इन द सेंस अगर आपका जो
टी है वो कंटिन्यूस है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कोई पर्टिकुलर इंटरवल से आ रही है, तो प्रोसेस द प्रोसेस इज डिनोटेड बाय एक्स ऑफ टी और एक्स अफिक्स टी। कंटिन्यूस रहेगा तो टी से डिनोट करेगी और डिस्क्रीट रहेगा तो वहाँ पे एन लगाएगी। अब एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर वन, लेट एक्स एन बी द टेम्परेचर इन डिग्री रिकॉर्डेड एट नागपुर एयरपोर्ट एट 12 नून ऑन द nth डे। तो देखो एक्स एन क्या डिनोट कर रहा है, एक्स एन जो है वो रैंडम वेरिएबल है। अब ये रैंडम वेरिएबल को कलेक्ट करना है आपको। एक्स एन क्या डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नागपुर एयरपोर्ट एट 12 नून। तो आपको ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि 12 बजे नागपुर एयरपोर्ट पर कितना टेम्परेचर होगा, तो पहले आपको सिंपल स्पेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल स्पेस क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज होगी टेम्परेचर की, तो नागपुर का मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है, राइट है। अब मिनिमम कितना भी ले सकते हैं, राइट है, मिनिमम टेम्परेचर चलो मैं 5 डिग्री कंसिडर कर लेता हूँ, 5 डिग्री तो नहीं जाएगा लेकिन एक इंटरवल को रेंज देना है हमारे को, राइट है। अब कितना भी ले सकते हैं, 5 डिग्री से नीचे तो जा ही नहीं सकता, राइट है। और मैक्सिमम कितना हो सकता, मैक्सिमम 50 डिग्री, 50 डिग्री से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, राइट है। तो ये जो xn है, xn जो है वो इस इंटरवल से वैल्यू लेगा, 5 to 50 के बीच में कुछ भी हो सकता, किसी दिन 10 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 15.5 हो गया, 20.1 हो गया, राइट है। और कलेक्शन कैसे करना है आपको, ऑन द nth डे। अब ये n जो है वो डिनोट कर रहा है आपको कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, nth डे। तो xn क्या डिनोट कर रहा है, xn डिनोट कर रहा है कि टेम्परेचर ऑन nth डे, nth डे का टेम्परेचर जो है वो आपको बता रहा है, राइट है। तो स्टेट स्पेस मतलब सिंपल स्पेस, सिंपल स्पेस क्या होगा, द स्टेट स्पेस ऑफ द स्टोकास्टिक प्रोसेस। ये स्टोकास्टिक प्रोसेस मतलब ये रैंडम वेरिएबल का कलेक्शन, कलेक्शन किस तरह से करें आपने, जैसा फर्स्ट डे n इज इक्वल टू 1, तो आपके पास फर्स्ट रैंडम वेरिएबल आ गया x1, फॉर एग्जांपल x1 फर्स्ट डे का टेम्परेचर जो है वो सपोज कर लेते कि 15 डिग्री था, ठीक है। उसके बाद सेकंड डे मतलब n इज इक्वल टू 2 रखे, तो x2 इज इक्वल टू सेकंड डे टेम्परेचर हो गया 14 डिग्री, राइट है। उसके बाद थर्ड डे x3 इज इक्वल टू थर्ड डे टेम्परेचर कैलकुलेट किए तो हो गया 12.5 डिग्री, राइट है। तो अब ये सारे रैंडम वेरिएबल जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं x1 x2 x3 x4 x5 और --xn, राइट है, xn nth डे जो है वो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हो गया 20 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको एक सेट में रख देंगे, है ना। तो ये सेट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, xn सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर आप उसको ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3, राइट है, xn, ठीक है। और इसको आप बिल्डर मेथड के फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे, ये पूरे सफिक्स को n से डिनोट कर देंगे, सच दैट n क्या है यहाँ पे, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जो सेट है इसी को बोलते हैं आप स्टोकास्टिक प्रोसेस, ठीक है। ये सेट को ही क्या बोलेंगे, स्टोकास्टिक प्रोसेस और रैंडम प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस, राइट है। तो इसका आपने जो सिंपल स्पेस मतलब यहाँ पे आप स्टेट स्पेस बोलेंगे, सिंपल स्पेस को स्टेट स्पेस बोले, तो पॉसिबल टेम्परेचर s इज इक्वल टू 5 टू 50 ले लिए, तो ये हो गया इसका स्टेट स्पेस। और जो पैरामीटर सेट मतलब टाइम का जो सेट हो गया, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, t इज इक्वल टू क्या हो गया, t इज इक्वल टू हो गया 1 2 3 --, राइट है। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम, सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर टू है, लेट xn बी द आउटकम ऑफ nth टॉस ऑफ अ डाई। तो देखो xn क्या डिनोट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल डिनोट कर रहा है जो डाई है जिसके ऊपर 6 नंबर्स आते हैं उसका nth टॉस में जो रिजल्ट आ रहा है, राइट है। अब इसको किस तरह से कलेक्ट करेंगे, आप एक डाई को टॉस करेंगे, फर्स्ट टाइम टॉस किए तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम टॉस किए तो आपने आ गया 2, ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो x2 इज इक्वल टू आ गया, फॉर एग्जांपल 4 आ गया, राइट है। फिर थर्ड टाइम टॉस करेंगे, फोर्थ टाइम टॉस करेंगे, और ये सारे रैंडम वेरिएबल को एक सेट में रख देंगे, तो इस सेट को बोलेंगे स्टोकास्टिक प्रोसेस। और उसको इस तरह से आप डिफाइन करेंगे, xn सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिस तरह से मैंने आपको बताया हूँ, राइट है। अब इसका सिंपल स्पेस क्या रहेगा, सिंपल स्पेस पॉसिबल वैल्यू, जब डाई को आप टॉस कर रहे हैं तो सिंपल स्पेस क्या बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट है। तो ये इसका सिंपल स्पेस हो गया, लेकिन यहाँ इसको सिंपल स्पेस नहीं बोलेंगे, स्टोकास्टिक प्रोसेस में इसको बोलेंगे स्टेट स्पेस, राइट है।
और टाइम जो ले रहे हैं आप फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस, तो t इज इक्वल टू सेट क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, राइट है। तो देखो ये डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल नंबर वन जो मैंने दिया था आपको, इसमें जो सैम्पल स्पेस है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इंटरवल से आ रही है, तो इंटरवल से कहीं से भी हो सकती है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद एग्जांपल नंबर थ्री है, सपोज अ मशीन कैन बी इन टू स्टेट, रनिंग और फेल्ड, लेट एक्स टी बी द स्टेट ऑफ द मशीन एट टाइम टी। अब देखो यहाँ पे एक्स टी आपको बताया, एक्स टी क्या है, एक्स टी जो है वो स्टेट ऑफ द मशीन है एट टाइम टी, ठीक है। तो हमारा स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, पहले तो एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एस इज इक्वल टू स्टेट ऑफ मशीन। स्टेट ऑफ मशीन क्या है, स्टेट ऑफ मशीन दो ही है सिर्फ, या तो वो रनिंग है, या तो वो अच्छी होगी या तो फेल्ड होगी, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रनिंग कॉमा फेल्ड, राइट है। और टी जो है वो टाइम है। अब यहाँ पे टाइम के बारे में आपको बताया नहीं कौन सा टाइम है, तो ये टाइम जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा, तो टी इज इक्वल टू कितना रहेगा, टी इज इक्वल टू 0 to infinity, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1 minute, 2 minute, राइट है, 12:05, 12:03 या फिर 1:02, कोई भी टाइम ले सकते हैं इस टाइम पर। तो ये जो टाइम है आपको कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये इंटरवल में चला जाएगा, राइट है। तो द स्टेट स्पेस ऑफ द स्टोकास्टिक प्रोसेस एक्स टी सच दैट टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये टी पर डिपेंड हो गया, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टाइम कुछ भी हो सकता है, कैन बी टेकन, राइट है। तो स्टेट स्पेस ये हो जाएगा, और पैरामीटर सेट टाइम सेट जो है वो ये हो जाएगा 0, infinity, ठीक है। तो ये जो सेट है, टाइम सेट जो है, यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, कंटिन्यूस बन गया, क्योंकि ये इंटरवल से आ रहा है, ठीक है। तो ये है स्टोकास्टिक प्रोसेस, थ्री एग्जांपल दिए हूँ, इसको समझ में आ गया होगा आपको कि स्टोकास्टिक प्रोसेस मतलब सिंपल क्या है। आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट देगा, और उस एक्सपेरिमेंट में जो सैम्पल स्पेस बन रहे हैं उसको आपको टाइम से कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से। नोट, ये नोट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो प्रोबेबली इस पे से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टोकास्टिक प्रोसेस में दो आपके वेरिएबल है, एक सैंपल स्पेस है और एक है टाइम टी। तो एस एंड टी, इफ एस एंड टी आर फिक्स, देन स्टोकास्टिक प्रोसेस एक्स इन ब्रैकेट एस कॉमा टी इज अ नंबर। अगर आप S और T दोनों को फिक्स कर देंगे, मतलब कांस्टेंट कर देंगे, एक ही कर देंगे, तो वो नंबर बन जाएगा, राइट है। नंबर कैसे बन जाएगा, जैसा आप ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आप कर देंगे कि S को फिक्स नहीं भैया, ये जो S है, मतलब स्मॉल s, स्मॉल s क्या डिनोट कर रहा है, सैंपल स्पेस के अंदर का एलिमेंट, राइट है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सैंपल स्पेस, अब मैं यहाँ पे S को फिक्स कर देता हूँ कि हमारी जो मशीन है वो ऑलवेज रनिंग, ठीक है, रनिंग ही रहेंगी, फेल्ड होंगी ही नहीं, ये फिक्स कर दिया मैंने। अब टाइम को भी फिक्स कर देता है, ये इंटरवल में से मैं टाइम को फिक्स कर देता हूँ कि भैया हमारे को जो है वो कलेक्शन जो करना है हमारा, वो जो है 2 बजे ही करना है, फिक्स है बिल्कुल, 2 बजे ही करना है हमारे को, और एक ही बार करना है, फिक्स, दोनों भी फिक्स कर दिए हमने। तो एस भी फिक्स हो गया रनिंग, राइट है, और टाइम भी फिक्स हो गया 2, तो ये क्या बन जाएगा, एक सिंपल नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा आपका, एक्स ऑफ एस कॉमा टी, एस एक्स ऑफ एस कॉमा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रनिंग, राइट है, सिंपल रनिंग आ जाएगी। रनिंग मतलब ये सिंपल क्या है, एक नंबर ही हो गया, एक ही नंबर आ गया ना, राइट है। तो ये नंबर हो गया, एस और टी अगर आप फिक्स कर देते हैं तो स्टोकास्टिक प्रोसेस जो है वो सिंपल एक नंबर बन जाएगा, राइट है, नंबर ही बोलेगी उसको, स्टोकास्टिक प्रोसेस तो रहेगा नहीं फिर, राइट है। इफ टी इज फिक्स, सिंपल अगर आप टी को फिक्स करते हैं, तो एक्स ऑफ एस कॉमा टी इज अ रैंडम वेरिएबल, जो हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़े थे। टी अगर फिक्स कर देते, मतलब टाइम वहाँ पे फिक्स था, वहाँ पे टाइम के बारे में बात ही नहीं हुई थी, एक यूनिट नंबर 4 में जब पढ़े थे हमने, वहाँ पे तो सैंपल स्पेस को ही हम नंबरिंग करते थे, राइट है। तो यहाँ पे टाइम फिक्स हो गया, मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया, और सिर्फ एस यहाँ पे वेरिएबल रहा, तो ये रैंडम वेरिएबल बन जाएगा यूनिट नंबर 4 वाला, जैसा हमने वहाँ पढ़े थे, पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, मतलब सिंपल रैंडम वेरिएबल रहेगा, ठीक है। इफ एस इज फिक्स, अगर एस को आप फिक्स करते हैं, तो एक्स ऑफ एस कॉमा टी एज अ सिंगल टाइम फंक्शन, मतलब ओनली प्योरली जो है वो टाइम टी का फंक्शन हो जाएगा, एस जो है वो फिक्स हो जाएगा, तो टाइम पर ही सारे वैल्यू जो है वो वेरिएट होगी, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों वेरिएबल रखते हैं, एस और टी दोनों के दोनों वेरिएबल है, इज अ सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट आर अ टाइम फंक्शन, दोनों के दोनों अगर वेरिएबल रहेंगे, तो यही बनेगा आपका स्टोकास्टिक प्रोसेस, जो अभी हम इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रैंडम प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन द कंटिन्यूस और डिस्क्रीट नेचर ऑफ द स्टेट स्पेस एस
एंड पैरामीटर सेट टी आर रैंडम प्रोसेस एंड बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप। देखो रैंडम प्रोसेस के अंदर दो सेट है, दो टाइप के सेट हम पढ़ रहे हैं, एक स्टेट स्पेस जिसको आप सैम्पल स्पेस बोलते हैं, और एक पढ़ रहे पैरामीटर सेट जो टाइम सेट है, जो आपको बताता है कि ये टाइम में आपको जो है सैम्पल स्पेस से डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो दो सेट है, तो दो सेट के नेचर पे जो है वो रैंडम प्रोसेस का जो क्लासिफिकेशन किया गया, राइट है। तो किस तरह से, पहला जो है आपका डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस, डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस। तो इफ़ बोथ टी एन एस आर डिस्क्रीट, तो टाइम सेट और स्टेट स्पेस सेट दोनों के दोनों अगर डिस्क्रीट हो गए तो रैंडम प्रोसेस को हम बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, इफ़ एक्स एन रिप्रेजेंट द आउटकम्स ऑफ एनथ टॉस ऑफ अ पेयर डाइज, देन एक्स एन इज इक्वल एक्स एन सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन इज अ डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस सिंस T इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड S इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट है। तो ये जो है डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस होगा, ये रैंडम प्रोसेस जो एग्जांपल में दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे T वाला सेट टाइम सेट जो है और सैम्पल स्पेस दोनों के दोनों कैसे है डिस्क्रीट फॉर्म में दिए। ठीक है, सेकेंड है कंटिन्यूस रैंडम सीक्वेंस। कंटिन्यूस रैंडम सीक्वेंस इफ टी इज डिस्क्रीट एंड एस इज कंटिन्यूस। देखो फर्स्ट वाले में जो है दोनों के दोनों डिस्क्रीट थे, अभी सेकंड वाले में टी डिस्क्रीट है और एस कंटिन्यूस है, टी डिस्क्रीट है और एस कंटिन्यूस है, देन रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम सीक्वेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक्स एन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ एनथ आवर ऑफ अ डे, देन रैंडम प्रोसेस एक्स एन वन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 24 इज अ कंटिन्यूस रैंडम सीक्वेंस सिंस टेम्परेचर कैन टेक एनी वैल्यू इन द इंटरवल एंड हैंस कंटिन्यूस, राइट है। तो देखो ये जो आपके पास स्टोकास्टिक प्रोसेस रैंडम प्रोसेस दिया है, क्या बोल रहा है कि एक्स एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है एट द एंड ऑफ एनथ आर, राइट है। तो अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मतलब जो हमारा सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस जो है वो क्या रहेगा आपका टेम्परेचर डिनोट कर रहा है, तो टेम्परेचर तो कंटिन्यूस है, मतलब वो जो भी आपका लोअर टेम्परेचर है, मतलब सपोज़ करो कि नागपुर का ही टेम्परेचर ले लो, नागपुर का टेम्परेचर इससे पहले हमने बताया था कि मिनिमम जो है वो 5 डिग्री और मैक्सिमम जो है वो 50 डिग्री। ठीक है, तो टेम्परेचर हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में ही रहेगा, आप उसको डिस्क्रीट फॉर्म में बता ही नहीं सकते। तो ये कंटिन्यूस हो गया आपका, और एनथ आर के बारे में बात हो रहा है, टाइम जो दिया है आपको एनथ आर, मतलब डे के अंदर कितने आर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो फर्स्ट आर मतलब एन इज इक्वल टू 1, सेकेंड आर मतलब एन इज इक्वल टू 2, थर्ड आर मतलब एन इज इक्वल टू 3, तो टी इज इक्वल टू कैसा दिया, टी इज इक्वल टू 1, 2, 3, कितना 24 तक के जा सकता है, राइट है। तो टी डिस्क्रीट है और एस जो है हमारा कंटिन्यूस है, तो ये जो रैंडम प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस रैंडम सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेस। ठीक है, तो देखो हमने पहला पढ़े थे डिस्क्रीट रैंडम सीक्वेंस, फिर सेकंड पढ़े हमने कंटिन्यूस रैंडम सीक्वेंस। जब तक कि टी डिस्क्रीट था तो सीक्वेंस आया, अब जैसे टी देखो कंटिन्यूस हुआ तो सीक्वेंस का प्रोसेस हो गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेस कब होगा, जब इफ टी इज कंटिन्यूस एंड एस इज डिस्क्रीट। ठीक है, देन रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेस। टी कंटिन्यूस रहेगा और एस कैसा रहेगा, डिस्क्रीट रहेगा। फॉर एग्जांपल एक्स टी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड इन द इंटरवल 0, T। टी यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो एक्स टी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिप्रेजेंट करता है, कब रिप्रेजेंट करता है, किसी एक इंटरवल में दिया है आपको टाइम 0, T इंटरवल में। ठीक है, then xt is discrete random process since s is equal to अब देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल t को मैं एक टाइम बोल देता हूँ 0, आपको लेना है कि 1 आवर, राइट है, 0, 1 आवर के बीच में आपको कलेक्ट करना है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 0, 1 आवर मतलब 1 घंटे, 1 घंटे के अंदर जो है वो कोई टेलीफोन कॉल ही ना आए, राइट है। ये पॉसिबल है कि सिर्फ 1 आए, ये पॉसिबल है कि सिर्फ 2 आए, 3 आए, 4, 5, 6, राइट है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, राइट है। तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, तो सैंपल स्पेस डिस्क्रीट हो गया, लेकिन टेलीफोन कॉल्स जो टाइम दिया आपको, टाइम दिया है 0, 1 मतलब ये इंटरवल में दिया है, इंटरवल में दिया है, मतलब यहाँ पे टाइम जो है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, टाइम कंटिन्यूस है, और एस जो है वो कैसा है, डिस्क्रीट है। तो ये जो प्रोसेस है तुम्हारा, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम प्रोसेस, जहाँ पे टी कंटिन्यूस और एस कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए।
उसके बाद फोर्थ है कंटिन्यूस रैंडम प्रोसेस इफ़ बोथ आर कंटिन्यूस, दोनों के दोनों कंटिन्यूस रहेंगे टी और एस, देन रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल एक्स थ्री रिप्रेजेंट द मैक्सिमम टेम्परेचर एट अ प्लेस इन द इंटरवल 0, T। देखो यहाँ पे एक्स टी की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर, मतलब वो कंटिन्यूस है, राइट है, टेम्परेचर किसी भी प्लेस का टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो वो कंटिन्यूस ही रहेगा, वहाँ पे लोअर टेम्परेचर आप जो भी है वो देखेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर जो भी है वो रखेंगे तो वो बन जाएगा आपका पूरा इंटरवल और वो कंटिन्यूस है। और टाइम भी यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस दिया, इंटरवल के फॉर्म में दिया, तो दोनों के दोनों कंटिन्यूस है, तो हमारा जो रैंडम प्रोसेस है वो क्या बोलेगी, उसको कंटिन्यूस रैंडम प्रोसेस बोलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके फोर टाइम्स। उसके बाद मेथड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रैंडम प्रोसेस, उसके अंदर फर्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यूनिट नंबर फोर में पढ़े हैं, राइट है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था जिसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं अगर आपको याद होगा तो, राइट है, और उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते थे पी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स, राइट है, या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन भी है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखते थे समेशन एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू समेशन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जीरो टू स्मॉल एक्स एफ ऑफ एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या फिर हमने ऐसे कैलकुलेट किए थे उसको शॉर्ट में कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ से शुरू कर दो, जीरो से शुरू कर दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और पहला इंटरवल ले लो माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन रैंडम वेरिएबल का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इस तरह से, और इसको चेंज करते एक्स वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन एक्स टू, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट टू प्रोबेबिलिटी की एडिशन एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू, उसके बाद इंटरवल चेंज करते थे एक्स टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स थ्री, फिर इस तरह से कंटिन्यू करते थे, अगर आपने वो यूनिट पढ़ा है अच्छे से तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो आपको पढ़ना है, पहले वो पढ़ लीजिए उसके बाद ये आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। देखो यहाँ पे सिंपल एक्स वेरिएबल था तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे स्टोकास्टिक प्रोसेस में, एक्स और एस और टी, यहाँ पे जो एस है एस को मैंने एक्स से डिफाइन किया हुआ, राइट, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स ऑफ टी लेस देन और इक्वल टू एक्स इज द फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी, एंड ये फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन को आप पार्शियल डेरिवेटिव देंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेंसिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेंसिटी फंक्शन भी हमने पढ़े हैं, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से तो वो क्या बन जाएगा आपका डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर में दो दो वेरिएबल रहेंगे, मतलब एक्स की दो वैल्यू रहेगी और टी की दो वैल्यू रहेगी, तो पी ऑफ यहाँ पे भी दो बन जाएगी, पी ऑफ एक्स ऑफ टी वन लेस देन इक्वल टू एक्स वन और एक्स ऑफ टी टू लेस देन इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, इस कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी, राइट है। और सेम जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एंड एक्स टू, तो ये क्या बन जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीन वैल्यू ऑफ रैंडम प्रोसेस, मीन वैल्यू भी पढ़े हमने जिसको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशन सिंपली बोलते हैं, राइट है, इस तरह से डिनोट करते हैं ई ऑफ एक्स से, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए समेशन आता है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन आता है, इस तरह से हमने पढ़े हैं ऑलरेडी यूनिट नंबर थ्री में, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे स्टोकास्टिक प्रोसेस एक्स ऑफ टी के लिए हमको मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मीन ऑफ प्रोसेस एक्स ऑफ टी इज डिनोटेड बाय म्यू ऑफ टी, वहाँ पे भी म्यू से डिनोट करते थे क्योंकि यहाँ पे टी का फंक्शन रहेगा हमारा, एक्स ऑफ टी टी का फंक्शन है तो मीन भी टी का फंक्शन रहेगा, इसलिए हम इसको म्यू ऑफ टी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, राइट है, ऑफ एक्स ऑफ टी, दैट इज म्यू ऑफ टी इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स ऑफ टी, और जितना भी कैलकुलेशन है ई ऑफ एक्स ऑफ टी का बिल्कुल वो यूनिट नंबर थ्री से ही हम उठाएंगे कि एक्स ऑफ टी अगर डिस्क्रीट रहेगा तो हम उसको समेशन करके लिखेंगे, राइट है, और एक्स ऑफ टी अगर कंटिन्यूस रहेगा तो हम उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑटो कोरिलेशन ऑफ रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है और एग्जांपल में अगर आते हैं तो उसको सॉल्व करना है। तो ऑटो कोरिलेशन ऑफ रैंडम प्रोसेस इज डिनोटेड बाय आर एक्स एक्स टी वन कॉमा टी टू और आर एक्स ऑफ टी वन कॉमा टी टू और आर ऑफ टी वन कॉमा टी टू एंड डिफाइंड एज आर ऑफ टी वन कॉमा टी टू इज इक्वल टू ई ऑफ ई, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वाला ही ई है,
e of x of t1 multiple x of t2 का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसका आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है। प्रोसेस वैसे रहेगा, डिस्क्रीट रहेगा तो समेशन लगाएंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे अगर कंटिन्यूस रहेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है ऑटो कोवेरियंस ऑफ रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी, इट इज डिनोटेड बाय सी एक्स एक्स ऑफ टी वन टी टू और सी एक्स ऑफ टी वन टी टू और सी ऑफ टी वन टी टू एंड डिफाइंड एज सी ऑफ टी वन टी टू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स ऑफ टी वन माइनस म्यू ऑफ टी वन x of t2 minus mu of t2, ठीक है। और सिंपली आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूले आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको फॉर्मूले डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो c of t1 comma t2 is equal to r of t1 comma t2 minus mu of t1 multiple mu of t2, इस तरह से भी आप ऑटो कोवेरियंस को डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रैंडम प्रोसेस x of t, इट इज डिनोटेड बाय रो ऑफ रो एक्स एक्स ऑफ टी वन टी टू रो एक्स ऑफ टी वन टी टू और सिंपली रो ऑफ टी वन टी टू एंड डिफाइंड एज रो ऑफ टी वन टी टू इज इक्वल टू सी ऑफ टी वन टी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सी वन टी वन सी ऑफ टी वन कॉमा टी वन मल्टीपल सी ऑफ टी टू कॉमा टी टू वेयर सी ऑफ टी वन कॉमा टी वन इज वेरियंस ऑफ एक्स ऑफ टी और ये जो सी ऑफ टी वन कॉमा टी टू है ये क्या होगा को वेरियंस ऑफ x of t1 and x of t2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है क्रॉस कोरिलेशन ऑफ टू रैंडम प्रोसेस x of t एंड y of t, इट इज डिनोटेड बाय r suffix xy of t1 t2 एंड डिफाइंड एज r suffix xy of t1 t2 इज इक्वल टू e of x of t1 मल्टीपल y of t2, ठीक है। तो ये क्रॉस कोरिलेशन, इससे पहले हमने कोरिलेशन पढ़े, अब ये क्रॉस कोरिलेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट है क्रॉस कोवेरियंस ऑफ टू रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, ये सारे फॉर्मूले आप याद करना है आपको। इट इज डिनोटेड बाय सी सफिक्स एक्स वाई ऑफ टी वन टी टू एंड डिफाइंड एज सी सफिक्स एक्स वाई ऑफ टी वन टी टू इज इक्वल टू आर सफिक्स एक्स वाई टी वन टी टू माइनस म्यू एक्स ऑफ टी वन मल्टीपल म्यू वाई ऑफ टी वन, म्यू मतलब ये मीन है म्यू ऑफ मीन ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ टी रैंडम प्रोसेस और म्यू वाई ऑफ टी जो है वो मीन ऑफ y रैंडम प्रोसेस y ऑफ t रैंडम प्रोसेस, ठीक है। और rx y of t1 t2 जस्ट अभी हमने पढ़े है। नेक्स्ट है क्रॉस कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू रैंडम प्रोसेस x of t एंड y of t, इट इज डिनोटेड बाय रो xy of t1 t2 एंड डिफाइंड एज रो xy of t1 t2 इज इक्वल टू cxy t1 t2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cxx t1 t1 मल्टीपल cyy T2, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर वन हम फॉर्मूले पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सभी फॉर्मूले पे एग्जांपल सॉल्व नहीं करने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको एज इट इज याद रखने हैं। एग्जांपल जो है वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, इन द फेयर कॉइन एक्सपेरिमेंट वी डिफाइंड अ रैंडम प्रोसेस एक्स ऑफ टी एज फॉलोज, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई टी इफ हेड शोज, इज इक्वल टू टू टी इफ टेल शोज। Find e of x of t and f of x comma t for t is equal to 0.25. तो देखो यहाँ पे रैंडम प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आपको फेयर कॉइन जो है अगर आप टॉस करते हैं तो आपका सिंपल स्पेस क्या बनता है, सिंपल स्पेस आपका बनता है हेड कॉमा टेल, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और रैंडम प्रोसेस क्या बता रहा है कि अगर हेड शो करता है तो x of t आपको साइन पाई टी उसको देना है, और अगर टेल शो करता है तो x of t को आपको क्या वैल्यू देना है, 2t देना है। मतलब आपका स्टेट स्पेस क्या बन जाएगा, स्टेट स्पेस आपका हेड हेड के लिए साइन पाई टी, ठीक है, और टेल टेल के लिए कितना है 2t। तो ये बन गया आपका स्टेट स्पेस। देखो ये सिंपल स्पेस है और ये स्टेट स्पेस है। स्टेट स्पेस जो है वो सिंपल स्पेस की जो एलिमेंट है उसको ही टाइम के हिसाब से क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो हमको कैलकुलेट करना है e of x of t। तो e of x of t क्या रहेगा, जो हमारा स्टेट स्पेस है वो तो डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट हो गया मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमने जो e of x of t पढ़े हैं वो इस तरह से पढ़े हैं, समेशन x f of x। f of x क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। ये रैंडम वेरिएबल के एलिमेंट पर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो f of x हमको कैलकुलेट करना है, f of x को p से भी डिनोट करते हैं, p बोले तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट पे हमको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है।
फॉर द गिवन फेयर कॉइन एक्सपेरिमेंट द सैम्पल स्पेस, तो देखो यहाँ पे सैम्पल स्पेस हटा के आप इसको स्टेट स्पेस बोलेंगे, ठीक है, स्टेट स्पेस इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू साइन पाई टी कॉमा टू टी. अब ये स्टेट स्पेस के हर एलिमेंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी. तो मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूँगा, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, तो टू आ गया क्योंकि एस के अंदर टू एलिमेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है पी. पहले इस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एन ऑफ साइन पाई टी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में वन रहेगा क्योंकि साइन पाई टी तो स्टेट स्पेस में एक ही एलिमेंट है, डिनोमेटर में एन ऑफ एस की वैल्यू पाई बाई टू. उसके बाद सेकंड टू टी के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, तो पी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टू टी इज इक्वल टू वन. टू टी भी सिंगल एलिमेंट है स्टेट स्पेस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन बाई टू. डिनोमेटर में ये जो टू दिख रहा है आपको, ये क्या है, एन ऑफ एस की वैल्यू है, ठीक है. अब हमको कैलकुलेट करना है ई ऑफ एक्स ऑफ टी, तो ई ऑफ एक्स ऑफ टी समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट है, क्योंकि डिस्क्रीट है. तो यहाँ पे रखते हम ई ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स की वैल्यू, एक्स बोले तो क्या है, ये स्टेट स्पेस का एलिमेंट है और मल्टीपल उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू, प्लस समेशन मतलब प्लस, उसके बाद स्टेट स्पेस का सेकंड एलिमेंट टू टी और मल्टीपल उसकी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू. इसको कैलकुलेट कर लेते, तो ये टू क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, साइन पाई टी अपॉन टू प्लस टी. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, साइन पाई टी अपॉन टू प्लस टी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकंड क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना है, टी इज इक्वल टू 0.25. तो प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट किए थे हमने वो एट एनी टाइम टी पर कैलकुलेशन हमारा किया हुआ है, उसी के अंदर हम क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 0.25. 0.25 मतलब 1/4 रख देंगे, राइट है. तो देखो प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या आती है आपके पास, प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट किए थे पी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन पाई टी, पहली प्रोबेबिलिटी आपके पास ये थी, इज इक्वल टू, इसका आंसर था आपके पास 1/2. अब टी की वैल्यू 0.25 मतलब 1/4 इसमें रख दो, तो पी ऑफ एक्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू साइन टी की वैल्यू 1/4 मैंने रख दिया, तो ये हो गया पाई बाय फोर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2. तो साइन पाई बाय फोर कितना होता है, साइन पाई बाय फोर इज इक्वल टू होता है 1/√2, ठीक है. तो देखो ये रैंडम स्पेस, जो रैंडम स्पेस है हमारा एस, उसके एलिमेंट की अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0.25 पे वैल्यू आ जा रही है, राइट है. तो ये हमने कैलकुलेट किए, देखो फर्स्ट कैलकुलेशन की हमने एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे रखे हमने 1/4 रखे, तो ये हो गया साइन पाई बाय फोर इज इक्वल टू 1/2, इम्प्लाइज दैट पी ऑफ एक्स ऑफ 1/4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय फोर की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2. तो सैम्पल स्पेस जो था हमारा एस, सॉरी स्टेट स्पेस जो था हमारा साइन पाई टी कॉमा टू टी था. अब टी इज इक्वल टू 1/4 पे स्टेट स्पेस क्या हो जाएगा, 1/√2, टी की वैल्यू 1/4 रख रहे हैं हम, तो ये हो गया 1/2, ठीक है, इस तरह से. तो सेकंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन में रखे हमने टी की वैल्यू 1/2, सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास, सेकंड प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास पी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टू टी पे जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी 1/2 थी, ठीक है. टी इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4 रख दिए हमने, तो एक्स ऑफ 1/4 इज इक्वल टू टू, यहाँ पे टी की वैल्यू 1/4 रखे तो ये 2 × 1/4 दैट इज 1/2 हो गया, इज इक्वल टू 1/2. तो ये सेकंड इक्वेशन जो दिख रही है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है. तो स्टेट स्पेस क्या बन गया आपके पास, स्टेट स्पेस ये बन गया आपका, ठीक है, 1/√2, 1/2. इसको ऑर्डर से लगाएंगे, मतलब 1/2 जो है वो छोटी वैल्यू है और 1/√2 जो है वो बड़ी वैल्यू है. तो स्टेट स्पेस आप इस तरह से लिख लेंगे, एस इज इक्वल टू पहले जो है वो लेस वैल्यू 1/2 और फिर ग्रेटर वैल्यू 1/√2, ठीक है. अब एफ ऑफ एक्स कॉमा टी आपको कैलकुलेट करना है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा टी की वैल्यू 0.25 इज इक्वल टू कहाँ से शुरू करते हैं, जीरो से, और इंटरवल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन रैंडम वेरिएबल लेस देन रैंडम वेरिएबल मतलब स्टेट स्पेस की फर्स्ट वैल्यू. स्टेट स्पेस की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1/2, ये 1/2 लगाए. उसके बाद इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है मेरे पास, 1/2 है, तो ये 1/2. फिर हम इंटरवल चेंज करेंगे 1/2 लेस देन एक्स लेस देन स्टेट स्पेस की सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू क्या है 1/√2, ये 1/√2 लगा दी.
उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट टू प्रोबेबिलिटी फंक्शन की एडिशन, मतलब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फंक्शन 1/2 है और सेकंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, इंटरवल चेंज करेंगे 1/√2 लेस देन एक्स लेस देन, यहाँ पे ये 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस डब्ल्यू टी प्लस एक्स इज अ रैंडम प्रोसेस वेयर ए एंड डब्ल्यू आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल ओवर 0.2π, देन फाइंड ई ऑफ एक्स ऑफ टी, मतलब मीन आपको कैलकुलेट करना है इस रैंडम प्रोसेस का। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बताया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने नहीं पढ़े, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, ठीक है। कोई रैंडम वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द इंटरवल ए कॉमा बी, तो आप इस रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन, मतलब जिसको आप एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, देखो इंटरवल ए कॉमा बी है तो 1/b माइनस से हो जाएगा, ठीक है। कोई रैंडम वेरिएबल अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द इंटरवल ए कॉमा बी, तो डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/b माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया आपको कि ये रैंडम प्रोसेस जो है, स्टोकास्टिक प्रोसेस एक्स ऑफ टी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द इंटरवल 0.2π, तो यहाँ से आप डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ई ऑफ एक्स, राइट, ई ऑफ एक्स ऑफ टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि मीन है, जिसके लिए हमको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होना, डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू होना, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, गिवन दैट एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 0.2π, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2π माइनस जीरो, इंटरवल 0.2π है तो ये हो जाएगा 1/2π माइनस जीरो, दैट इज 1/2π, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2π, और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू तो यहाँ आपको डायरेक्टली दिया आपको ए कॉस डब्ल्यू टी प्लस एक्स, राइट है। तो देखो ये जो इंटरवल है आपका 0.2π, मतलब कंटिन्यूस है, तो हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए ई ऑफ एक्स ऑफ टी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़े हैं और इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इंटरवल 0.2π है, 0.2π के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2π है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और साथ ही साथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी ये इंटरवल की जैसी बनाएंगे, मतलब 0.2π लिखेंगे, तो 0.2π और x है हमारे पास a cos wt प्लस एक्स, उसके बाद इनटू ये x, मतलब यहाँ पे x ऑफ t है, राइट है, ये फॉर्मूले में x मतलब क्या है, x ऑफ t, तो x ऑफ t इज इक्वल टू है a cos wt प्लस 1 wt प्लस x इनटू f ऑफ x, और f ऑफ x हमने कितना कैलकुलेट किया 1/2π dx, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है, तो a अपॉन 2π तो बाहर हो जाएगा, राइट है, a अपॉन 2π बाहर हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिंपल साइन डब्ल्यू टी प्लस एक्स, ठीक है, और लिमिट अप्लाई करना है 0.2π, तो ये नेक्स्ट इसमें किए हमने a अपॉन 2π साइन डब्ल्यू टी प्लस एक्स, और लिमिट अप्लाई करना है 0.2π, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे x के पोजिशन पे 2π माइनस लोअर लिमिट x के पोजिशन पे 0। अब ये साइन डब्ल्यू टी प्लस 2π, साइन डब्ल्यू टी प्लस 2π इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन डब्ल्यू टी, और आगे है माइनस साइन डब्ल्यू टी प्लस 0, मतलब ये भी साइन डब्ल्यू टी, तो ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा साइन 2π प्लस थीटा, राइट है, साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन 2π प्लस डब्ल्यू टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन डब्ल्यू टी हो जाएगा, तो साइन डब्ल्यू टी माइनस साइन डब्ल्यू टी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा 0, और ये हमको कैलकुलेट करना था ई ऑफ एक्स ऑफ डी की वैल्यू, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेशनरी प्रोसेस। So thank you for watching this video.